साथियों हमारे देश में सरकारों का मूल्यांकन सरकार की शक्ति का आकलन सरकार के परफॉर्मेंस की बातें ज्यादातर कौन सरकार कितनी बड़ी घोषणा करती रही है उसके ही आसपास रही है लेकिन पहली बार ये मानदंड बदल रहे हैं अवधारणा बदली है हमारी सरकार का मूल्यांकन उसके डिलीवरी सिस्टम से हो रहा है नीतियां भी नियत भी और आखिरी इंसान तक उस निर्णय को पहुंचाना उस सुविधा को पहुंचाना हकदार को हक पहुँचाना यह हमारी सरकार की विशेषता रही है ये देश में सरकारों के कामकाज का नया मूलमंत्र रहा है बावजूद इसके दुर्भाग्य ये है कि भाजपा अगर चुनाव जीते तो इसे चुनाव जीतने की मशीन कहा जाता है लेकिन दूसरे जब चुनाव जीतते हैं तो पार्टी की वाहवाही नेताओं की वाहवाही न जाने क्या क्या कहा जाता है इस तरह के दो मापदंड हम देख रहे हैं जो लोग कहते हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन है वो एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र की जो परिपक्वता है उसको समझ ही नहीं पाते हैं, वो भारत के नागरिकों की जो सूझबूझ है उसका कलिन ही नहीं कर पाते हैं वो उनके समझ के परे हैं वो भारत के नागरिकों की आशा अपेक्षाएं और उनके सपनों उसे कभी भी समझ नहीं पाते हैं सच्चाई ये है कि बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन नहीं देश और देशवासियों का दिल जीतने वाला एक अविरल अनवरत अभियान है हम पांच साल तक ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं सरकार में हो तब सरकार में न हो तब हर परिस्थिति में हम जनता से जुड़े रहते हैं जनता के लिए जीते रहते हैं और सच्चाई ये है कि हम कभी गर्व नहीं करते कि हमारा दल जीता हम हमेशा इस बात का गर्व करते हैं कि देश के लोगों ने हमें जिताया